वेलकम टू शोभा कुमारी देसी ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा जरूर, और हैप्पी दुर्गा पूजा सभी को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा तंदुरुस्त रहिए फ्रेंड। और ये रसगुल्ला मेरे हस्बैंड अपने जिस जगह ड्यूटी करते हैं वहाँ से लाए, वहाँ का ये फेमस रसगुल्ला है, तो ये आप लोगों के लिए फ्रेंड। तो आप लोग खा लीजिए रसगुल्ला और हैप्पी दुर्गा पूजा। अष्टमी का वीडियो है फ्रेंड, तो हम लोग रात को आए हैं क्योंकि हमारे घर के बगल में ही होता है। तो आप लोग आरती देखिए और ये महा आरती हो रहा है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। दर्शन हो रहा है, ये दसवीं का वीडियो है। अब माता का आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए और हम लोग अब माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे और सिंदूर खेल होगा यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है जब सिंदूर खेल, और जब ये दिन आता है माता सभी की रक्षा करे और सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। और ये मेरी स्कूल फ्रेंड है और ये उनकी बेटी। ये दिन बहुत अच्छा लगता है जब आता है और जब आपको आपके बचपन के फ्रेंड मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। और हम लोग काफ़ी दिन बाद मिले और ये भाभी भी उनके घर के बगल में ही रहती हैं, बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड। और दोस्तों यहाँ ना बंगाली कल्चर से पूजा होता है, मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोग को बताया है। और इस बार तो लॉकडाउन के वजह से उतना अच्छा से हुआ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, झूला वगैरह सभी लगता था पूरा, मगर क्या कर सकते हैं, कोरोना है तो थोड़ी सेफ्टी के हिसाब से चलता है। बगल में ही रहती हैं और पूरा वीडियो ये लोग वॉच करते हैं, सारी वीडियो मेरी फुल देखते हैं। और ये भी पहले मेरे घर के पास ही रहती थी, अभी थोड़ी दूर हो गई हैं। और ये नित्या की मम्मी और नैना, नैना देखिए कैसे शर्मा रही है फ्रेंड। और ये तो भाभी को आप पहचानते होंगे, जो भी मेरे व्यूअर होंगे पहले वाली वीडियो देख रहे होंगे, और इन्हें भी आप लोग पहचानते ही होंगे जो पहले की वीडियो देख चुके हैं। और फ्रेंड आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग किन किन को पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। और बहुत अच्छा लगता है और इतना मज़ा आ रहा था बता नहीं सकती मैं। और क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है, घर के पास में ही है, तो हम लोग सारा मतलब पूजा का जितना भी मतलब होता है सब कुछ अटेंड कर ही लेते हैं। इस बार तो थोड़ी कोरोना की वजह से उतना अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी सेफ्टी भी था और झूला वगैरह सब लगता था। बड़ा बच्चे को बहुत दुख है, 2 साल बर्बाद हो चुका है,
तो एक मेमोरी भी बन गया है, इसलिए मैंने सभी को कैप्चर कर लिया है। आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सारी कर दीजिएगा फ्रेंड, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड वीडियो में बहुत कुछ आगे है, यहाँ के ऐसा दुर्गा पूजा मुझे नहीं लगता है कहीं होता होगा, क्योंकि बंगाल में होता है, यहाँ बहुत धूमधाम से होता है। क्योंकि हमारे यहाँ चाहे अगल बगल में जितने भी गेस्ट आते हैं वो बोलते हैं यहाँ आने पे बहुत अच्छा लगता है, और वो मतलब हमेशा आना चाहते हैं, मगर क्या कर सकते हैं, 2 साल से कोरोना की वजह से कोई आ नहीं पा रहे हैं। नहीं तुम्हारी जेठानी वगैरह भी आती थी, मगर क्या कर सकते हैं। और पूजा पाठ तो मत पूछिए, पूजा पाठ में तो ऐसे भी मज़ा आता है, और दुर्गा पूजा तो बिहार झारखंड बंगाल के लिए फेमस है, यहाँ तो बहुत धूमधाम से ही मनाया जाता है। और ढाक का जो म्यूजिक होता है ना, ढाक जो बजाते हैं वो तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम लोग यहाँ सिंदूर खेल के माता की विदाई होगी, तो पालकी में उनकी विदाई होती है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और माता ऐसा दिन सबके नसीब में आए कि हमेशा हम लोग सिंदूर खेल खेलते रहें, और ऐसा दिन हमेशा आए। और ये भी मेरी फ्रेंड रीमिक्स बाय डीजे मामा, रीमिक्स बाय डीजे मामा। अब यहाँ पे माता की पालकी आ गई है, अब इसमें माता को मतलब विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा, तो इसमें पहले साड़ी बिछा दिया जाता है। अब यहाँ पे माता को लाया जाएगा, जो इसमें मंत्र उच्चारण करके इनमें स्थापित किया जाता है, और यहाँ हल्दी से सभी माता को छूते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे ये ढाक बोलते हैं, ये बंगाल में इस तरह ढाक बजाया जाते हैं, बिहार झारखंड में भी बजाया जाता है, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और देखिए माता को किस तरह मनाते हैं यहाँ पे, ये सब जो ब्राह्मण भी हैं ये भी बंगाल से हैं, और कितना धूमधाम से नाते हैं हम सब, और बहुत अच्छा लगता है। लगता नहीं है कि जल्दी से दुर्गा पूजा मतलब ख़त्म हो, मगर माता तो आई हैं तो फिर विदाई भी होगी ही। और यहाँ देखिए नैना भी डांस कर रही है म्यूजिक की थाप से, और सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो अब हम लोग ना माता को पालकी में विराजमान हो गई हैं, ये जो भी हम लोग को न्यू मिलते हैं उन्हें सिंदूर लगाते हैं हम सब। और देखिए यहाँ पे देखिए सभी नाचते गाते हम लोग जाएंगे माता को विसर्जन के लिए, यहाँ सभी देखिए मगन है, एकदम फुल मगन रहते हैं, हम लोग को बहुत मज़ा आता है। कहाँ कहाँ से इस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए माता को पालकी में लेके यहाँ पे देखिए लावा छीट रहे हैं, जो धान के लावा होते हैं ना वो छीटते हुए जाते हैं, और यहाँ देखिए बच्चे लोग सभी डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग ना तालाब के, तालाब जो बोलते हैं नदी, तो ये देखिए तालाब है, हमारे यहाँ तालाब बोलते हैं पॉट जिसे, तो ये तालाब के पास हम लोग आ गए हैं, और ये माता की पालकी भी आ गई है। वहाँ पे देखिए बच्चे लोग ना पानी में उतर रहे हैं, वो एक जो उन्हें विसर्जन होते हैं ना इसलिए, और यहाँ ब्राह्मण ना जो मंत्र उच्चारण करके वो जो बांध बांध कर जैसे पूजा के लिए रखते हैं ना, उन्हें सब मंत्र से उच्चारण करके उन्हें विसर्जन करेंगे, तो यहाँ पे विसर्जन सभी कर रहे हैं। और जो उसमें जो होते ना जो उसे लेने के लिए, क्योंकि कहा जाता है इसे तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है, और ये भी पहले वाली वीडियो में आपने इन्हें देखा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सभी ग्रुप फोटो ले रहे थे। अब शाम, ये शाम की है क्योंकि उस दिन लॉकडाउन की वजह से दसवीं को ही माँ का विदाई हो गया, नहीं तो यहाँ दसवीं के बाद भी 2 दिन तक रखा जाता है माता को, मगर इस बार
जल्दी विदाई हो गया। तो ये शाम 6:30-7 बजे का वीडियो है। यहाँ पे देखिए माता को ले जा रहे हैं सभी। विसर्जन करने के लिए और काफी टाइम तक सभी हम लोग काफी दूर तक, देखिए काफी भीड़ है, बहुत दूर तक हम लोग माता को छोड़ने भी गए हैं। और गर्मी उस दिन इतना था ना दोस्तों, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी और गर्मी बहुत था। तो अब हम लोग मार्केट से ही घर चले आए, इसके बाद नहीं गए क्योंकि रात भी हो गया था। और हम लोग के यहाँ जब दसवीं के बिहान होके ये ढाक वाले सभी के घर जाके बजाते हैं, इसे शुभ यात्रा बोलते हैं बंगला में, मतलब जत्रा बोलते हैं। तो हैप्पी दुर्गा पूजा सभी को फ्रेंड, और हमेशा ज़िंदगी में इसी तरह खुशियाँ आती रहे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड, हैप्पी दुर्गा पूजा।